हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबकी फेवरेट और बहुत ही महंगी सी मिठाई की रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ काजू कतली, वो भी घर में, और वो भी काजू कतली सिर्फ तीन चीज़ों से तैयार होने वाली है, हमारी फटाफट से तैयार हो जाती है। और इसमें ना तो आपको चाशनी बनानी है, ना तो चाशनी का तार चेक करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी काजू कतली को बनाना। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस रेसिपी को। काजू कतली को बनाने के लिए सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए यहाँ पे। तो आपको चाहिए काजू और चीनी पाउडर और घी। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम काजू लिया है, इसे मैंने 3 घंटे से पानी में भिगो के रखा है। अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे हमने भिगो दिया है, क्योंकि इस पे जो छिलके होते हैं या कोई डस्ट है उसे आप हटा लीजिए, फिर अपने काजू को 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। अगर जल्दबाजी है, आपको जल्दबाजी में बनाना है, तो इसे गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। तो ये 250 ग्राम काजू हैं, और ये मैंने लिया है 200 ग्राम चीनी का पाउडर, यानी चीनी को हमने पीस लिया है। अगर आप कम मीठा डालना चाहते हैं तो 180 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं, या ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो 220 ग्राम भी चीनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी पाउडर इस्तेमाल किया है, और 1 टेबल स्पून देसी घी। तो सबसे पहले हम इसे पानी से बाहर निकालेंगे और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो लीजिए, इसमें कुछ काजू जो है टुकड़े भी हैं, कुछ खड़े भी हैं, ऐसा ही काजू मैंने यहाँ पे ले लिया है, आप कोई सा भी काजू ले सकते हैं। तो चलिए इसे पानी से बाहर निकालेंगे और पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू का बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। काजू को पीसने में मैंने 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो ये लीजिए, इस तरीके का पेस्ट आपको तैयार करना है। अब हम एक मोटे तले की कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर इस काजू के पेस्ट को निकालेंगे। अगर आपका जो काजू है थोड़ा गंदा है, मटमैला है, तो आप उसे पहले गर्म पानी में धो दीजिए, या फिर ऐसे ही पानी में धो दीजिए, उसके बाद उसे भिगो के रखिए। तो ले लीजिए, सारे काजू के पेस्ट को हम इसमें निकाल लेंगे। तो सारा काजू का पेस्ट मैंने कढ़ाई में ले लिया है। अब चीनी पाउडर को इसमें मैं डालूंगी और दोनों को पहले हम अच्छे से मिला लेंगे, फिर गैस पे रख के पकाएंगे। तो इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। काजू कतली बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है, ना तो आपको इसमें चाशनी बनानी है और ना ही कोई झंझट है, बहुत ही ईजिली ये तैयार हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चीनी पाउडर और काजू का पेस्ट दोनों आपस में बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। अब हम लो फ्लेम पे गैस पे इन्हें रखेंगे और चलाते हुए पकाएंगे। मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है अपने काजू के पेस्ट को, और लगातार इसे देखिए मैं चला रही हूँ, और इन्हें आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको इन्हें लगातार चलाते हुए पकाना है और लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो काजू वाला डो है, यानी ये जो मिश्रण है, काफ़ी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा किसी प्लेट में इस तरीके से निकाल के रखेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी, इसे हम चलाते भी रहेंगे। और फिर जब हम इस मिश्रण को इस तरीके से हाथों से करेंगे तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से चिकने बॉल की तरह तैयार हो रहे हैं, यानी अब हमारा ये जो मिश्रण है तैयार हो गया। तो अब आपको यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे थोड़ा चलाते हुए आपको ठंडा करना है। तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, और मैंने गैस को बंद कर दिया है, और इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे, ठंडा करेंगे और बिल्कुल एक सार कर लेंगे, यानी एक जगह सारे डो को अपने इकट्ठा करेंगे इस तरीके से चला के। तो आप देख सकते हैं, हमारा ये जो काजू वाला मिश्रण है ये बिल्कुल एक डो की तरह तैयार हो गया है। जैसे आटे का डो होता है वैसे ही बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। हम इसे चला चला के थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे फैलाएंगे और जमाएंगे। तो इसे आपको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अगर आप यहाँ पर कोई फ्लेवर देना चाहते हैं तो अपनी काजू कतली में इस यहीं पर ऐड कर सकते हैं, जैसे इलायची पाउडर हुआ, या फिर केवड़ा एसेंस हुआ, या रोज़ वाटर, जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि जो काजू का अपना अलग ही स्वाद होता है, सुगंध होती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है। तो काजू कतली को जमाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके से बटर पेपर, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल, या फिर आप कोई भी प्लास्टिक की भी सीट ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको घी अच्छे से लगा लेना है, और ये देखिए, इसके ऊपर मैंने अपना जो काजू कतली का बैटर मिश्रण है उसे रख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, बेलन में अच्छे से घी लगाएंगे और इसकी सहायता से इसे हम ऐसे फैला लेंगे। पतला आपको बेल लेना है, तो इसे मैंने इस तरीके से बेल लिया है, फैला लिया है। अब हम इसे चौकोन रूप देंगे, इस तरीके से साइड साइड से हम इसे ऐसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने काजू कतली को इस तरीके से फैला दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा सूखने देंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हमारी बर्फ़ी थोड़ी सेट हो गई है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आप कोई भी स्केल
या इस तरीके से कुछ ले सकते हैं जिससे कि आप बराबर निशान लगा सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट लगा लिए हैं। तो ये देखिए हमारी काजू कतले बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।